देन आप लोगों को बताऊँगी आवाज़ पता नहीं मेरी आप लोगों तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मेरा आहिस्ता और यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है तो देन मैं आप लोगों से कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ही जो है ना वो कपड़े धो रही है और मैं भी अपने कपड़े ले आई, मैं फिर से अपने कपड़े लेके आई हूँ। यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, ये निकलेगा फिर मैं अपने कपड़े डालूंगी। और ये अंकल बैठे हुए, ठीक है, और ये बच्चे खेल रहे हैं, मोईज़ अहमद, और ये है तैयबा, है ना, तहरीम, तहरीम सॉरी तहरीम है, ये मोईज़ अहमद, और ये है, ये कौन है, ये है चुड़ैल। मैं निकालने लगी हूँ मशीन से कपड़े, और क्योंकि आप ही ने जो अपने कपड़े वो धो लिए थे और मेरे जो है उन्होंने मशीन में डाल दिए, तो फिर मैंने कहा कि आप ना निकालना, मैं खुद निकाल लूँगी और अब मैं सारे कपड़े जो है वो निकाले। इस टाइम मेरा कैमरा मैन ना आप ही बन गया। मेरी बारी है ना, वो अब मेरी बारी कपड़े खंगालने की है, तो अब मैं जो हूँ वो कपड़े खंगाल रही हूँ, फिर जब मैं छत पे जाऊँगी ना आप लोगों को छत भी दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है सालन और अंडी बना ली है, ये वाला सालन, आलू बैंगन, आलू बैंगन, तो बच्चे बैठ के खाना खा रहे। अब ये मैं आ गई हूँ अंडी के कमरे में, ठीक है, ये अंडी का कमरा है। यहाँ पे कपड़े जो हैं वो स्पिनर करके रखती हैं, ये कपड़े लेके जाने हैं छत पे और फिर हमने छत पे डालने। अब मैं आप लोगों को छत भी दिखाती हूँ, ठीक। अब हम जा रहे हैं छत पे। मैंने कहा था कि मैंने अभी से कहा था मुझे कोई चीज़ दे दो, मैं उसमें कपड़े रख के ले जाऊँ। उन्होंने कहा अभी तो नहीं है, फिर मुझे ऐसे ही आना पड़ा छत पे। छत भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कपड़े सारे डाल के ना फिर मैं आप लोगों को छत दिखाऊंगी और अंकल का सेटअप दिखाऊंगी, ठीक है, ठीक हो। हाँ जी अंकल फोन जाएगा। तो ये डाल दिए हैं मैंने सारे कपड़े, मोहिता भी छत पे है और तहरीन भी छत पे है, तैयबा तहरीम, तहरीम हाँ मैं नाम भूल जाती हूँ इसका। और ये मैंने कपड़े डाल दिया, ये देखें हमारा बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड हमने किसके लिए रखा हुआ है आप लोगों को भी दिखा के लिए। उफ़ बहुत डर लगता है मुझे इनसे। मुझे मत पीछे पीछे मुझे मत, ये देखें जी इनसे मुझे डर लगता है क्योंकि ये अपने आप को खुलवा भी लेते हैं जी। मुर्गियाँ और मुर्गे, इस वाले केज में भी मुर्गियाँ मुर्गे हैं और ये साथ खाली है केज पड़ा हुआ है, दड़बा है इनका वो, और ये इनका खाना पानी बादशाह दवाइयाँ वगैरह जो है रखी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए अपने आप को खुलवाने की कोशिश कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये ऐसे करके ना मारता है, ये पीछे से मारता है फिर ये। तो मैं, मेरा दिल तो कर रहा है मैं हाथ लगाऊं पर लगा नहीं सक रही क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए भी हम फिर आज जा रहे हैं। बच्चे होते हैं बकरे वगैरह उस तरफ होते हैं, कपड़े वगैरह डाले जाते हैं, फिर एक छत ये वाली है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाती हूँ घर वगैरह गली, ठीक है। अब मैं नीचे जाने लगी हूँ, तो नीचे जाके तो फिर आप लोगों से हम लोग मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं अब नीचे आके बैठ गई हूँ, अभी कपड़े खंगा रही है, मेरे पिंपल्स निकले हुए, ये ना पिंडी से निकले हुए अभी तक ख़त्म नहीं हुए, और मोहिब अली ने रोना स्टार्ट कर दिया, तो अब हम मोहिब अली के पास जाते हैं, ठीक है। रो रहा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देख क्या हुआ मोहिब अली, मोहिब अली क्या हुआ आपको? मोहिब अली का ना एक्चुअली मसला ये है कि मोहिब अली को, मोहिब अली की एक वेन जो है ना बंद है यहाँ से, उसकी वजह से ना इसकी आइज़ जो है ना वो इस तरह से रहती हैं और बार बार जो है वो साफ़ करनी पड़ती है। डॉक्टर्स ने कहा है कि इसकी ना एक्सरसाइज करवाएं कि यहाँ पे इसके नोज़ में जो है वो कतरे डाले जाते हैं और उसके बाद इसको ऐसे यहाँ से एक्सरसाइज इसकी करवाई जाती है ताकि इसकी वो वाली वेन खुल जाए, वरना जो है डॉक्टर्स ने कहा इसका ऑपरेशन होगा। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि ये ऐसे ही ठीक हो जाए। और ये देखें आइस की वजह से ना इसका, हालांकि क्लीन भी कर किया जाता है, ये अभी सो के उठा है तो इसकी आइस की ये हालत होगी, ये पानी की वजह से ना इसके यहाँ पर इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो इसके लिए भी आप लोगों ने खास दुआ करनी है। वहाँ पर बन रही है रोटी और लाइट गई भी है, और साथ में मैं भी खा रही हूँ खाना, आलू गोभी और साथ में रोटी, आलू बैंगन और रोटी। चूड़ियाँ लेने तो नहीं आई पर देखें मैं चूड़ियों की वीडियो जरूर बनाने आई। मोहिब अली जो है वो तैयार हो गए हैं, ठीक है, मोहिब अली को लेके जा रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए, और मोहिब अली की मामा जो है मोहिब अली को तैयार करनी है। मोहिब अली क्यों रो रही है? रात का टाइम है, मैं व्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में, याद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।